हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कस्टर्ड एप्पल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीताफल है, ये फल आपको करोड़पति बना सकता है, आपको करोड़ों रुपए कमा के दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं कोई जोक नहीं सुना रहा हूँ, ये एक पावरफुल बिजनेस मॉडल है। अब कैसे, ये समझने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो के साथ। दोस्तों, आपको इस बिजनेस में सफल होने के लिए ऐसे लोकेशन पे जाना होगा जहाँ पे इसकी खेती ज़्यादा मात्रा में की जाती है। वैसे हमारे देश में ये फल सभी जगह पाया जाता है। ये एक ऐसा फल है जिसको बारिश कम लगती है, ज़्यादा पानी चलता नहीं है। अगर ज़्यादा बारिश इसको मिलती है, ज़्यादा पानी इसको मिलता है, तो ये फल नीचे से पूरा काला पड़ जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि सीताफल नीचे से काला पड़ता है, तो ज़्यादा पानी की वजह से ऐसा होता है। और ये एक ऐसा फल है जो सूखी ज़मीन पे आता है, पहाड़ों पे आता है, ये एक जंगली फल है, कहीं पर भी आता है और हमारे देश में सभी हिस्सों में पाया जाता है। इसका सीज़न लगभग 2 से 3 महीने का होता है, पर अगर आप देखेंगे पुणे में ये फल पिछले 2 महीने से अवेलेबल है। जून के दूसरे हफ्ते से, मिड जून से जनवरी महीने तक इसका सीज़न पुणे सिटी में चलता है। अब इसके पीछे की वजह यह है कि जिन किसानों के पास पानी है, जो किसान गर्मी में इसको पानी दे सकते हैं, उन किसानों का फल जून के महीने के दूसरे हफ्ते से या जुलाई के महीने से इनको फल देना शुरू होता है। और जो बरसात में पानी मिलता है, उनका सीताफल अक्टूबर महीने से लेकर दिसंबर जनवरी महीने तक मिलता है। तो अगर आपके पास पानी है, अगर आप गर्मी में पानी दे सकते हैं, तो ये फल आपको जून में आना शुरू होता है। तो इस तरह से पुणे सिटी में, पुणे के आसपास के गांव में ये फल जून से लेकर जनवरी महीने तक अवेलेबल होता है। 6 महीने का इसका सीज़न होता है। अब दोस्तों, हम ये जान लेते हैं कैसे ये सीताफल आपको करोड़पति बना सकता है। दोस्तों, सबसे पहले इसका बाजार समझ लेते हैं। सीताफल जो होता है, इसको शरीफा भी कहते हैं, कुछ जगह पे इसको शरीफा, सीताफल, शुगर एप्पल कहते हैं। दोस्तों, सीताफल का जो बाजार है, ये बाजार पूरी तरह से डिपेंड करता है उसके साइज़ के ऊपर। मतलब अगर 100 ग्राम का सीताफल है, 100 120 ग्राम का सीताफल है, तो उसका रेट किसान को लगभग 8 से 10 रुपए मिलता है। और जैसा इसका साइज़ बढ़ता जाता है, इसका रेट बढ़ता जाता है। अगर 150 ग्राम 200 ग्राम का सीताफल है, तो उसका बाजार 50 रुपये से लेकर 70 रुपये तक होता है। अगर 250 ग्राम 300 ग्राम का सीताफल है, तो वो 120 रुपये 150 रुपये तक रहता है। अगर 400 500 ग्राम या फिर उससे बड़ा सीताफल है, तो उसको 200 250 मुंबई या फिर दिल्ली जैसे सिटी में उसको 400 500 600 रुपये किलो तक इसका रेट किसानों को मिलता है। तो इस तरह से इसका पूरा बाजार डिपेंड करता है इसके साइज़ के ऊपर, क्योंकि जितना साइज़ बड़ा है, उसमें उतना पल्प ज़्यादा होता है और उसके बीज कम होते हैं। और छोटे सीताफल में बीज की मात्रा ज़्यादा होती है और पल्प कम होता है, इसके वजह से इसका बाजार डिपेंड करता है उसके साइज़ के ऊपर। अब दोस्तों, आपको जो करोड़पति बनाता है, वो छोटा सीताफल ही आपको करोड़पति बनाने वाला है। ये जो 8 से 10 रुपए किलो वाला जो सीताफल है, यही आपको करोड़पति बनाता है। और यही सीताफल सभी किसानों के पास ज़्यादा मात्रा में होता है। हर किसान के पास 50% से भी ज़्यादा छोटा सीताफल होता है, जिसका दाम 8 से 10 रुपए किलो होता है। अब दोस्तों, हम इसके बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं कैसे आपको ये करोड़पति बना सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक दिन का पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। आपको ये प्रोसीजर पूरे सीज़न में फॉलो करना है हर रोज़। दोस्तों, जैसे सीताफल का सीज़न शुरू होता है, आपको किसान से एक दिन में लगभग 1000 किलो कस्टर्ड एप्पल परचेस करना है। लगभग 1 टन कस्टर्ड एप्पल आपको परचेस करना है, और आपका जो सीताफल का रेट होगा, वो लगभग 8 से 10 रुपये किलो का आपको सीताफल परचेस करना है। मतलब 8 से 10 रुपए में आपको जितना बढ़िया से बढ़िया सीताफल मिलता है, वो आपको परचेस करना है। बड़ा सीताफल भी चलेगा, छोटा मीडियम भी चल सकता है, पर मैक्सिमम आपका परचेस का रेट 10 रुपए या फिर 12 से 15 रुपए, 15 रुपए किलो के ऊपर आपको परचेस बिल्कुल नहीं करना है। अब इसकी क्वांटिटी आपकी होनी चाहिए 1 टन एक दिन का। मतलब अगर हम 10 रुपए पकड़ते हैं, तो एक दिन में आपको 10,000 रुपये का 1 टन सीताफल परचेस करना है।
अब इन परचेज किए हुए सीताफलों को आपको क्रेटों में भरना है। आपने क्रेट देखे होंगे किसानों के, प्लस प्लास्टिक के रेक्टेंगल साइज में क्रेट आते हैं बड़े बड़े, जो 20-20 किलो के क्रेट होते हैं। ऐसे 20 किलो क्रेटों में आपको इन सीताफलों को भरना है, ठीक है। एक बंद कमरे में इन क्रेटों में आपको इन सीताफलों को रखना है और इसको आपको कागज़ से, पेपर से, या फिर गोनी, या फिर जो गेहूं चावल के जो बारदान आते हैं, ऐसे बारदानों में आपको इसको ढक के रखना है एक बंद कमरे में। इसमें गर्मी होती है कागज़ में, बारदान में, इन गर्मी की वजह से ये जल्दी से जल्दी पक जाते हैं। अब इस बंद कमरे में आपको इस सीताफल को 3 दिन के लिए रखना है। 3 दिन के बाद इसमें से 80-90% सीताफल पक जाता है। अब जैसे 3 दिन पूरे होते हैं, आपको इन सीताफलों को निकालना है और इसमें जितने भी पके हुए सीताफल है उसको अलग अलग दूसरे क्रेटों में भरना है, और जितने पके हुए नहीं है उसको वापस आपको उसी कमरे में 2 दिन के लिए रखना है ताकि ये पूरी तरह से पक जाए। अब दोस्तों, ये जो पके हुए सीताफल है, इन सीताफलों को आपको अलग अलग क्रेटों में, जैसे मैंने आपको कहा था, आपको भरना है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे महिला स्टाफ की ज़रूरत है। जैसे गांव के आसपास हम देखते हैं गरीब महिलाएं होती हैं जिनको काम की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती नहीं है पर काम की तलाश में होती है, ऐसे महिलाओं की आपको ज़रूरत है। आप इनको वर्क फ्रॉम होम भी दे सकते हैं। अब इन महिलाओं का काम कुछ इस तरह से होगा, इन महिलाओं को करना ये है कि इनको 20-20 किलो के क्रेट रखने हैं। आप इनको आपके लोकेशन पे बुला सकते हैं या फिर उनको घर पे आप ये सीताफल दे सकते हैं। साफ़ सुथरे हाथ करके, साफ़ सफाई से इन महिलाओं को, इन सीताफलों को बीच में से तोड़ना है और इसका पल्प अलग करना है, इसके सीड्स अलग करने हैं और इसका जो छिलका है बाहर का उसको अलग करना है, ठीक है। इसका पल्प निकालते वक्त उनको ख्याल रखना है कि अंदर के जो चिप्स है, जो सीताफल के चिप्स आते हैं जिसको हमारे मराठी भाषा में पाकड़ी कहते हैं, किसान लोग उसको पाकड़ी कहते हैं, वो टूटेंगी नहीं, उतना ख्याल उसको रखना है और उसका पल्प अलग करना है, बीज अलग करना है और छिलका अलग करना है। क्योंकि जितनी चिप्स ज़्यादा होते हैं उसका रेट ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह से हर महिला को इसका पल्प अलग करना है। एक महिला एक दिन में 15-20 किलो पल्प आसानी से निकाल सकती है। अब यहाँ पे दोस्तों होता कुछ इस तरह से है, 3 किलो सीताफल से आपको 1 किलो पल्प हाथ में आता है। मतलब 3 किलो सीताफल आप किसी महिला को देंगे तो उसमें 1 किलो पल्प आता है, बचा हुआ 2 किलो छिलके और बीज में चले जाते हैं। इस तरह से आपको पूरे सीजन के लिए इन महिलाओं को काम देना है, उनको उनका पल्प निकाल के देना है। तो इस तरह से आपको 20-25 महिलाओं की ज़रूरत है। ये महिला एक दिन में 15-20 किलो पल्प निकालती है और आपको इनको 15 रुपये किलो से पैसे देने हैं। 12-15 रुपये किलो के हिसाब से आपको इनको पैसे देने हैं 1 किलो पल्प निकालने के। अब दोस्तों, ये जो एक दिन में निकाला हुआ पूरा का पूरा जो पल्प है, इस पल्प को आपको कलेक्ट करना है। इसमें आपको एक केमिकल डालना है। अगर आप केमिकल मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक केमिकल मिलता है जिसकी वजह से इस कस्टर्ड एप्पल पल्प का लाइफ जो है ये 1.5-2 साल तक बढ़ता है। केमिकल एक प्रिजर्वेटिव होता है जिसको आपको सही मात्रा में इस पल्प में डालना है। उसके बाद में जैसे आप इसमें केमिकल डालते हैं उसको आपको ऐसे 0.5 kg या फिर 1 किलो के पैकेट में आपको इसको भरना है। ये 0.5 किलो का पैकेट है, इसमें आपको केमिकल डालने के बाद आपको वेट करके इसमें भरना है और उसके बाद आपको इसको ब्लास्ट करना है, जिसको हार्डनर भी कहते हैं। ये हार्डनर आपको रेंट पे मिलता है, -30°C पे आपको इसको ब्लास्ट करना है। उसके बाद ये एक पत्थर बन जाता है, बर्फ बन जाता है, और ब्लास्ट करने के बाद आपको इसको बॉक्स में भरना है। लगभग 20 किलो एक बॉक्स में आता है, कार्टन जो आता है उसमें भरना है और इस बॉक्स को आपको कोल्ड स्टोरेज में रखना है। कोल्ड स्टोरेज सभी सिटीज़ में, सभी गांव में होते हैं, जिनको पता नहीं उनको बताना चाहूँगा। एक बड़े से बड़ा फ्रिज होता है, इस फ्रिज में वेजिटेबल्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ग्रीन पीस होता है, स्वीट कॉर्न होता है, बेबी कॉर्न होता है, या फिर स्ट्रॉबेरी, चीकू जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स इसमें होते हैं। तो वहाँ पर आपको इस कस्टर्ड एप्पल पल्प को
-20 डिग्री सेल्सियस में रखना है, यहाँ पे ये सेफ रहता है, आप इसको साल दो साल भी आसानी से रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा इसमें आप घर में बिल्कुल ना रखें, घर में ये ख़राब हो जाएगा, इसको कंपलसरी आपको कोल्ड स्टोरेज में ही रखना है। ये कोल्ड स्टोरेज सभी जगह पे ये अवेलेबल होते हैं, और ये जो कोल्ड स्टोरेज है इसका रेंट भी कोई ज़्यादा होता नहीं है, आपको एक महीने का लगभग 1.5 से 2 रुपये रेंट पड़ता है। मतलब अगर आप 1 टन 1000 किलो कस्टर्ड एप्पल कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे एक महीने के लिए या फिर उससे कम समय के लिए, तो आपको 1500 से 2000 रुपये उसका रेंट पड़ता है, पर आपका कस्टर्ड एप्पल पल्प सही सलामत रहता है इस इन कोल्ड स्टोरेज में। अब दोस्तों हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा पल्प बनने के लिए कितना खर्चा हुआ है और इसको बेच के हमको कैसे पैसे मिलने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आप 3 किलो कस्टर्ड एप्पल पल्प का 1 किलो पल्प निकलता है, 10 रुपये किलो का कस्टर्ड एप्पल हम 3 किलो लेते हैं तो लगभग 30 रुपये का कस्टर्ड एप्पल आपको लगता है 1 किलो पल्प निकालने के लिए। उसके बाद में 15 रुपये का लेबर लगता है तो लगभग 45 रुपये में आपका ये पल्प बनता है। उसके बाद में इसके प्रिजर्वेटिव, पैकेजिंग, हार्डनिंग और कोल्ड स्टोरेज के अगर हम 15 रुपये भी पकड़ते हैं तो लगभग 60 रुपये किलो से आपका ये कस्टर्ड एप्पल का पल्प बनता है। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, ये 60 रुपये किलो का कस्टर्ड एप्पल पल्प अगर आप बाजार में बेचने को जाएंगे होलसेल मार्केट में, तो इसका रेट 130 रुपये से 150 रुपये किलो के भाव में बिकता है। 60 रुपये का पल्प आपका आसानी से 150 रुपये किलो में बिकता है। ये पल्प आधा किलो का मैंने 80 रुपये से ख़रीदा हुआ है, जिसका मैं आपको बिल दिखाना चाहूँगा। ये आधा किलो कस्टर्ड एप्पल का पल्प मैंने 80 रुपये में ख़रीदा है एक होलसेलर से, तो ये काफ़ी महंगे दाम में बिकता है। और दोस्तों ये मिनिमम रेट है, आपको ये भी बताना चाहूँगा, दिसंबर महीने तक आपको होलसेल मार्केट में इसके 130 से 150 रुपए मिलते हैं, पर जनवरी महीने से इसका रेट 10 से 20 रुपए बढ़ता जाता है। और जैसे गर्मी का सीज़न आता है अप्रैल मई और जून के महीने में, जब आइसक्रीम का सीज़न रहता है, शादियों का सीज़न रहता है, जहाँ पे सीताफल की रबड़ी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, आइसक्रीम की डिमांड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, उस वक्त ये 150 रुपये किलो का पल्प 200 रुपये 250 रुपये 300 रुपये किलो तक जाता है। तो इस तरह से अगर आप इसको 6 महीने कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, 6 महीने का आपका 2 रुपये से भी पकड़ते हैं तो 12 रुपये का रेंट लगता है। 60 रुपये का कस्टर्ड एप्पल पल्प जिसमें अगर आप 6 महीने रखेंगे तो 12 रुपये इसमें बढ़ते हैं, 72 रुपये इसका रेट बढ़ता है, पर ये कस्टर्ड एप्पल पल्प आपका 200 रुपये से भी ज़्यादा रेट में बिकता है और आपको अच्छा खासा पैसा कमा के देता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको कम 50 टन कस्टर्ड एप्पल का पल्प बनाना है एक साल में, और ये 50 टन पल्प आपको पूरे साल भर बेचना है। अगर आप इसमें साइड बिजनेस करना चाहते हैं, शुरू में कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ करना चाहते हैं, तो आप पहले साल 20 टन पल्प बना के उसको बेच सकते हैं, और जैसे आपको एक्सपीरियंस आता है, थोड़े इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिलती है, वैसे आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी आपको मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट कम लगेगी पर आपको पैसा अच्छा मिलेगा। आपको काम कुछ इस तरह से करें, शुरू में आप 50 टन पल्प का कस्टर्ड एप्पल का टारगेट रखें, और जैसे आपका पल्प बनता है, शुरू में आप इसका लगभग 30 टन पल्प दिसंबर महीने से पहले कम से कम रेट में बेच दे। जो आपका 60 रुपये में पल्प बनता है, इसको 120-130 रुपये में दिसंबर महीने तक इसको बेच दे, और बचा हुआ जो 20 टन कस्टर्ड एप्पल पल्प है, ये जनवरी महीने से थोड़े हाई रेट में जैसे रेट बढ़ता जाएगा उसको आप बेच सकते हैं, और 8 से 10 टन पल्प आप बचा के रखिए गर्मी के सीज़न में, जहाँ पे आइसक्रीम और रबड़ी की डिमांड होती है, और ये 10 टन पल्प आपको 200-250 रुपये जो भी मार्केट चल रहा है उस वक्त उस रेट में बेच के आप इसका अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से 50 टन कस्टर्ड एप्पल पल्प से आप 40 से 50 लाख रुपए एक साल में आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इतनी बड़ी मात्रा में बनाया हुआ जो सीताफल पल्प है, ये पल्प हमें बेचना किसको है। आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां होती है, ये कंपनी को ये पल्प बड़ी मात्रा में लगता है, क्योंकि सीताफल की जो आइसक्रीम बनती है वो सबसे बेहतरीन आइसक्रीम बनती है, तो इनको टनों में ये सीताफल पल्प लगता है। ऐसे अलग अलग आइसक्रीम कंपनियों को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके शहर में, आपके आसपास के बड़े शहरों में कहीं पर भी आप इसको भेज सकते हैं,
इसके साथ में जो डेयरी प्रोडक्ट सप्लायर होते हैं, जैसे फ्रोजन फ्रूट सप्लायर होते हैं, ग्रीन पीस, स्वीटकॉर्न, जो डेयरियों को सप्लाई करते हैं, ऐसे बड़े बड़े ट्रेडर्स को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनको भी ये पल्प बड़ी मात्रा में लगता है। आपको ये सीताफल पल्प अलग अलग दूसरे शहरों में भी भेजना है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अलग अलग एक्सपोर्टर्स से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये कस्टर्ड एप्पल पल्प एक्सपोर्ट भी होता है। जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सीताफल पल्प का जो क्रश बनता है, ये क्रश भी मिल्कशेक काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का बनता है। तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, आपके लिए कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा ढूंढेंगे तो आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। पर आपको ये ख्याल रखना है कि जब भी आप सीताफल का पल्प बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी के ऊपर आप ध्यान दीजिए। इसकी बढ़िया से बढ़िया अगर आप क्वालिटी देंगे आपके हर कस्टमर को, तो आपका ये जो कस्टर्ड एप्पल पल्प है ये तुरंत बिक जाएगा। आपको ज़्यादा वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इसमें भी मिलावटें होती है। जैसे ये कस्टर्ड एप्पल पल्प मैंने लाया हुआ है, अब मुझे पूरी गारंटी है ये कोई ओरिजिनल पल्प नहीं है। इसमें एक किलो के पल्प में आपको लगभग 100 ग्राम शक्कर का पानी मिलाया जाता है, जिसको एडल्ट्रेंट कहते हैं, मिलावट कहते हैं। इसमें भी मिलावट होती है। मतलब ये 60 रुपए के पल्प में भी लोग 100 ग्राम पानी, शक्कर का पानी मिला लेते हैं। और अगर कोई आइसक्रीम कंपनी की ऑर्डर होती है जिनको ओरिजिनल नेचुरल पल्प चाहिए, उनके लिए रेट इसका और 20 रुपए एक्स्ट्रा होता है। मतलब पूरा ओरिजिनल पल्प आपको मार्केट रेट से और 20 रुपए एक्स्ट्रा रेट में कस्टमर खरीदता है। तो ये 60 रुपए का पल्प 180 रुपए में बिकता है अगर ओरिजिनल है, और अगर मिलावट है तो ये 150 रुपए के आसपास बिकता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इस सीताफल से पल्प निकलने के बाद जो बचा हुआ छिलका और अंदर के जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उसके भी पैसे बनते हैं। जैसे जो अंदर के बीज है वो लगभग 30 रुपए से बिक जाते हैं। कुछ कंपनियां इसको परचेस करती है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, और ये जो छिलका है उसको बड़े गड्ढे में डाल के उसको डीकम्पोज किया जाता है, और उसका जो मिट्टी निकलता है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के काम में आता है, तो वो भी बिक जाता है। तो इसकी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, हर चीज़ के आपको पैसे मिलते हैं। और ये जो कस्टर्ड एप्पल का जो पल्प है, इसका इस्तेमाल सभी जगह पे किया जाता है। जैसे इसकी एक बेहतरीन आइसक्रीम बनती है, सीताफल की रबड़ी बनती है, उसके बाद में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, इसकी पाउडर बनती है, इसको ड्राई किया जाता है, इसका मिल्कशेक बनाने के लिए इसका सिरप बनाया जाता है। तो इस तरह से ये काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है हमारे पूरे देश में, और इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इसकी खेती करने में किसान को भी बहुत बेनिफिट है, क्योंकि ये कोई सेंसिटिव फल नहीं है, ये एक जंगली फल है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आप अंगूर की या अनार की खेती करते हैं, अंगूर और अनार काफ़ी सेंसिटिव फल है, जिसमें खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है, किसान को पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्लाइमेट बदलता है तो किसान को उसका पेस्टिसाइड्स बगीचे में डालना पड़ता है। वही ये जंगली फल है, इसको कोई क्लाइमेट का डर नहीं होता, कोई नुकसान होने की संभावना नहीं होती, तो ज़्यादा कोई खर्चा होता ही नहीं है, तो इसमें किसान को भी अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो आप किसान को मोटिवेट कर सकते हैं इस फल की खेती करने में। आप उनका ये फल परचेस कर सकते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट करके उनका माल ले सकते हैं, और किसान को भी बेनिफिट दे सकते हैं, और आप खुद भी इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको कॉस्ट कटिंग करनी है, कम से कम लेबर में काम करना है, तो इसका एक मार्केट में मशीन भी अवेलेबल है। ये मशीन में ये सीताफल निकाल के वो बीज के साथ डालते हैं, तो उसका बीज और पल्प अलग हो जाता है। उसका इस्तेमाल करके भी आप इसका पल्प निकाल सकते हैं, पर इस मशीन में जो निकाला हुआ पल्प है उसके अंदर के थोड़े चिप्स टूटते हैं, तो उसका बाज़ार थोड़ा कम होता है। वही हाथ से निकाला हुआ जो पल्प है उसका बाज़ार अच्छा होता है, उसमें चिप्स बड़े बड़े होते हैं। तो जो भी ऑप्शंस चाहिए उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चाहे तो मशीन के थ्रू आप लेबर कॉस्ट भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, यही पूरी इन्फॉर्मेशन है कस्टर्ड एप्पल पल्प के बिजनेस के बारे में, जो बहुत ही पावरफुल बिजनेस मॉडल है। अगर आप चाहें तो इस बिजनेस को कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रेगुलरली अलग अलग बिजनेस टॉपिक्स पर वीडियो पेश करते रहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।